किसी ने बहुत सुंदर कहा है, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना स्वभाव मत बदलिए, क्योंकि दोस्तों कीमत ओरिजिनल की होती है, फोटोस्टैट की बहुत कम। ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों बहुत समय पुरानी बात है, एक राजा शिकार पर जाता था, और जब भी वो जाता उसको एक फकीर बहुत मधुर बांसुरी की धुन बजाता हुआ दिखता। इतनी सुंदर बजाता कि राजा उसका दीवाना हो गया, वहीं पर बैठ जाता, घंटों घंटों सुनता रहता। वो फकीर बहुत ही मस्त था। एक दिन राजा ने सोचा कि यहाँ पर ये बैठा बैठा क्या करता रहता है, इसकी तो वैल्यू मेरे राज दरबार में हो, क्यों नहीं मैं इस फकीर को अपने राज दरबार में ले चलूं, कितना मस्त रहता है, ऐसे किसी चीज की परवाह नहीं। तो उसने ऐसा उस फकीर को कह दिया। उसने कहा, फकीर जी आप क्यों नहीं मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। तो फकीर ने बिना सोचे समझे एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई और उसने कहा, ठीक है मैं आपके राजमहल चलता हूं। तो राजा उसका उत्तर सुनते ही दंग हो गया, क्योंकि राजा ने सोचा कि वो बोलेगा, नहीं नहीं मैं तो यहीं पर ही ठीक हूं, मुझे क्या करना है राजमहल जाके, मैं तो यहीं पर ही आनंदित हूं। बट राजा का मन एकदम बैठ गया, उसने कहा, पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने इसको कहीं गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया, कहीं ये इस वेशभूषा में कोई और तो नहीं है। बट राजा तो अपनी जबान दे चुका था। राजा ने कहा, ठीक है अब आप चलिए मेरे महल में। अब जैसे ही फकीर को राजा ने कहा तो फकीर उछल कर राजा के घोड़े पर बैठ गया। अब राजा पैदल और फकीर राजा के घोड़े पर जा रहा था। इसको देखकर राजा तो और परेशान हो गया, उसका मन इतना दुखी इतना व्यथित कि भाई कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर दिया। जैसे तैसे वो राजमहल पहुंच गए। अब राजा ने कहा कि फकीर आप कहाँ रुकना चाहेंगे, ये सुंदर था अतिथि घर है, या मेरा कमरा भी है वो भी है, क्यों नहीं आप मेरे कमरे में ही रुक जाते। फकीर ने कहा, ठीक है मैं आपके कमरे में रुक जाता हूँ। राजा ने कहा, आप अपने कपड़े भी बदल लीजिए। फकीर ने कहा, ठीक है मैं अपने कपड़े भी बदल लेता हूँ। राजा ही वेशभूषा पहनकर वो राजा के कमरे में रहने लगा। अब राजा को तो जैसे काटो तो खून नहीं, वो इतना परेशान कि मैंने किस मुहूर्त में इस फकीर को कह दिया कि मेरे राजमहल में आओ। अब दिन बीतने लगे, लेकिन फकीर फिर भी मस्त रहता था, जो आता आराम से खाता, सबके साथ खुश रहता और अपनी मधुर बांसुरी की धुन वैसे ही बजाता रहता। स्वभाव बड़ा मृदुल था, खूब एंजॉय करता। पर राजा तो बहुत परेशान, एक दिन दो दिन ऐसा करते करते महीना बीत गया। पर राजा ने एक दिन जाकर उस फकीर को सवेरे सवेरे बोल दिया, फकीर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो। उसने कहा, आप भी यहीं पर रहते हैं, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, आप भी अच्छी वेशभूषा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, आप भी वही खाते हैं, मैं भी यही खाता हूँ, फिर मेरे और आप में फर्क क्या होगा। तो फकीर फुदक कर बिस्तर से बाहर आया और बोला, राजन ये प्रश्न तो तुम एक महीने पहले ही मुझसे पूछ लेते, जब तुम्हारे चेहरे को मुरझाते हुए परेशान मैंने देखा था, तभी मेरे मन में ये आ गया था कि तुम्हारे मन में ये बात आ गई है कि फकीर कहीं इस वेशभूषा में कोई और तो नहीं, तुमने एक महीना अपने आप को क्यों परेशान किया। लेकिन इसका उत्तर मैं तुम्हें यहाँ नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं तुम्हें राजमहल से बाहर जाकर 100 कोस दूर एक गाँव है वहां पर दूंगा, चलो मेरे साथ। फकीर ने अपने राजाई कपड़े उतारे और पुराने कपड़े फटे हुए पहनकर फिर चल दिया बांसुरी बजाता हुआ, उसी मस्ती में उसी एंजॉयमेंट में। दोस्तों 100 मील दूर आकर पहुंचा तो वो चल ही रहा था। राजा ने कहा, बस अब आप उत्तर दे दीजिए। फकीर ने कहा, थोड़ा और चलते हैं आगे। राजा ने कहा, नहीं नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास बहुत कारोबार है, मेरे पास घर परिवार है, मेरा राजमहल है, मेरा धन है, कितनी सारी चीजें हैं, मुझे उन सबको संभालना है, मैं अब आपके साथ आगे नहीं जा सकता। तो फकीर मुस्कुरा कर बैठ गया। उसने कहा, राजन यही फर्क है आप में और मुझ में, आज देखो जब मैं राजमहल में था तब भी मैं वैसी सुंदर बांसुरी बजाता था, आज मैं यहाँ पर फटे पुराने कपड़े में हूँ तो भी मैं उसी प्रकार की बांसुरी बजा रहा हूँ, लेकिन आपका स्वभाव बदलता जा रहा है। राजन आप में और मुझ में ये फर्क है कि परिस्थितियां आपको चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन का भी स्वभाव है। हमारे जीवन में भी दोस्तों उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन एक मौसम की तरह है, अनेक प्रकार के सीजन आते रहते हैं, कभी कभी सब खिला हुआ सब बहुत बढ़िया लगेगा, कभी कभी दोस्तों मन मुरझा जाएगा, कभी कभी परेशानियां सामने आएंगी, और उसके अनुसार ही व्यक्तियों के अनुसार ही परिस्थितियों के अनुसार ही हमारा स्वभाव बार बार बदलता जाता है, हमारा मूड भी बदलता जाता है, हमारा नेचर भी दोस्तों बदलता जाता है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो अपने मन को स्टेबल अपने मन को काम रखना जानता है। दोस्तों लोग परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुसार नहीं होंगी,
लेकिन मन के अंदर जो भाव है, भावनाएं हैं, यदि वो सदा पॉजिटिव है, सदा श्रेष्ठ है, सदा खुशी से परिपूर्ण है दोस्तों, तो हम अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, अपनी लाइफ में हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। तभी कई लोग बाहर जाएंगे और वहां जाकर भी दोस्तों उनका मन बहुत दुखी रहता है, और कई लोग एक छोटी सी जगह पर रहते हुए भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमारी मनोस्थिति को कभी भी डिटरमिन नहीं करती दोस्तों। ये तो हमारी अपनी ही मनोस्थिति, अपना ही माइंडसेट है जो हमारी खुशी, हमारे जीवन या हमारे माइंड स्टेट को दोस्तों डिटरमिन करता है। इसलिए सदा खुश रहिए, खुशियां बांटिए, सदा स्वस्थ रहिए, सदा इंजॉय करिए लाइफ को, और उस फकीर की तरह, चाहे मुख की भी नहीं लेकिन मन से मधुर संगीत हर एक के लिए, स्वयं के लिए बजाते रहिए। ओम शांति।